मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा मार्केट में एनसीपी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद गौस उर्फ बबलू शेमडा और वाइस प्रेसिडेंट सुफियान मेमन ने दावते इफ्तार रखा था। शहर के कई जाने माने प्रतिष्ठित लोग इसके अलावा अन्य लोग भी इस इफ्तार में शामिल थे। आजकल देखा जा रहा है कि अमन और शांति का पैगाम देने के लिए बड़ी संख्या में लोग दावते इफ्तार रख रहे हैं और लोग इस तरह के इफ्तार दावत में बड़ी संख्या में शामिल भी हो रहे हैं और एकता का संदेश भी दे रहे हैं। इसी तरह से बबलू शेमडा की तरफ से मुमरा मार्केट में जो दावत इफ्तार रखा गया था, यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। साथ ही शमीम खान ने बबलू शेमडा को फूलों का गुलदस्ता देकर बबलू शेमडा का सम्मान सत्कार किया है। रखा गया था मेरे दोस्त मैडम सुफियान मेमन साहब ने और उनकी पूरी टीम, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो अफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रखा गया। इसमें कम से कम 1000 लोगों ने शिरकत की। उसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब भी आने वाले थे, मगर मसूरीबाद कैसे बम्बे होने कैसे वो नहीं आ पाए। हमारे नेता हमारे बड़े भाई सदर अशरफ साहब भी आने वाले थे, मगर वो भी कुछ काम के वजह नहीं आ पाए। और हमारे कलवा मीना विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब, हमारे बाला आए थे, अकबर मुलानी साहब है, सुफियान है, आरिफ है, हमारा फिरोज है, बाकी अमीर है, शाहरुख है हमारा, ये सब ने आके हमारी इज्जत अफजाई की। और माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम एक गंगा जमुना तहजीब, हमारे अप्पा हिलाल राव परवीन पवार है जो अम्बेडकर समाज से आते, जेबीन समाज से आते, हमारे अप्पा मराठा समाज से आते, इन सब ने आके शिरकत की। हमें बहुत खुशी हुई और हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम हुआ सबके लिए। इसके लिए सुफियान मेमन की पूरी टीम के लिए मुबारकबाद। आज मुमरा मार्केट में हम इस वक्त रमज़ान तेज पाक महीने में हमारे तमाम साथियों के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारे यहाँ के मुमरा के ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शेमडा जी ने और सुफियान मेमन वाइस प्रेसिडेंट हैं ये विधानसभा के, आज इन लोगों ने और इनकी पूरी टीम ने मिलकर के मुफ्ती साहब आज जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अफ्तार की दावत रखी, इसमें हमारे यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी के परिवार के तमाम लोग, इस बॉम्बे कॉलोनी इस हलके के तमाम लोग यहाँ पे मिलकर के हम तमाम लोगों ने साथ में अफ्तार किया। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है। रमज़ान के आखिरी असरे में अल्लाह ताला से हम दुआएं करें हमारी मफ़रत के लिए, अल्लाह ताला हमें माफ़ भी करते हैं हमारे गलतियों को हमारे गुनाहों को। और ये मैं कहना चाहता हूँ आज के इस दिन कि ये जो लोग हमें बांटने वाला काम कर रहे हैं, ये बांटने वाला काम मत करें। आज देख लीजिए हमारे साथ बाला गोडे जी खड़े हैं, यहाँ बहुत सारे लोग तमाम लोग खड़े हैं, मुफ्ती साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं, बहुत सारी हमारी बहनें खड़ी हैं, तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से, ये कहना चाहता हूँ कि देश को जो तोड़ने वाला काम लोग कर रहे हैं वो काम मत करें। मुमरा तोसा की आवाम ने इसके मिसाल गंगा जमुना तहजीब की तरह दिया है जो आज यहाँ हम सब लोग देख रहे हैं। और मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे ब्लॉक अध्यक्ष बबलू शेमडा जी को। बबलू शेमडा जी ने हमेशा इस अपने वार्ड के लिए और अपने शहर के लिए हमेशा खिदमत खल्क किया है, हमेशा बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। बहुत सारे लोग दिखाने का भी काम करते हैं लेकिन बबलू शेमडा ने कभी दिखाने काम नहीं किया। बबलू शेमडा का मैंने एक दिन मेरे व्हाट्सएप पे पूछा साहब एक फ़ोटो आया, मुझे कहना ज़रूरी है ये बात डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ लोग दिखाने काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अगर देखेगा ना, अगर अल्लाह खुश तो दुनिया खुश, अल्लाह खुश नहीं तो दुनिया हमारे लिए जहन्नम है। तो बबलू शेमडा का व्हाट्सएप मुझे आया, मैंने उसमें देखा बालाजी, मैंने उसमें देखा कि उसके अंदर बबलू शेमडा ने इतनी बड़ी बड़ी पैकेट बना करके क्वान्टिटी लिखा था 2000 कि भाई मैं यहाँ गरीबों को तकसीम कर रहा हूँ। बबलू भाई मैं वाकई में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह ताला आपके इस खिदमत फल को कबूल फरमाए। बाकी राजनीति और चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 साल करते हैं, हर 24 घंटे में करते वक्त आने पर, लेकिन ये रमज़ान का महीना शाहरुख यहाँ पे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक नियत नियत से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब को भी आना था लेकिन मुंबई में है वो, भाई साहब को भी आना था लेकिन भाई साहब भी मुंबई में, वो लोग किसी ज़रूरी मीटिंग में है, वरना यहाँ वो होते थे आज, वो लोग भी होते थे। उनकी तरफ से भी अहले इस्लाम को मैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज अफ्तारी में जितने लोग शामिल हुए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।